बढ़ते हैं आगे। बल्लभगढ़ में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बिल्कुल हिंदी फिल्म की तरह दिन दहाड़े आरोपी एक घर में घुस गए और तेज धार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल बल्लभगढ़ के पंजाबी मोहल्ले में दिन दहाड़े बदमाशों ने रेप पीड़िता नाबालिग के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे नाबालिग पीड़िता के गले पर गंभीर चोटें आईं। आनंद फानंद में पीड़िता को बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। पीड़िता की बहन के मुताबिक हमला करने वाले आरोपी ने उसके साथ लगभग 2 महीने पहले रेप किया था, जिसमें पीड़िता को कोर्ट में गवाही देनी थी, लेकिन गवाही से एक दिन पहले ही आरोपी अपने कुछ और साथियों के साथ उसके घर पहुँच गया और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जांच अधिकारी राजेंद्र ने बताया कि हमलावर रेप केस के आरोपी हैं और पीड़िता के बयानों के बाद ही आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं 5 मिनट के लिए चीनी लेने के लिए चली गई थी, ठीक है। पास में ये शॉप ज्यादा दूर भी नहीं, चीनी लेने के गई, इतने में मैं गई हूँ, ठीक है। मुझे नहीं मालूम किसी से क्या था क्या नहीं था, मैं किसी से बोल गई मैं कि लॉक लगा के रखना, तो घर में कोई आए तो खोलना मत, ठीक है। 5 मिनट हो गए मेरे को, 5 मिनट मेरे को थोड़ी सी देर हो गई आने में, ठीक है। इतने में वो आए, फैजल वगैरह सब आए थे नीचे, इसने ऊपर से देखा, इसे लगा तनु दीदी आ रही है, ठीक है। इसने में जैसे इसने गेट खोला है, वो सब इसने हमला बोल दिया उन लोगों ने। वो 10-15 लोग थे बाहर खड़े थे, 4 लोग अंदर आ गए। फैजल आया था, उसकी उसका भाई आया था, उसका पापा आया था अंदर, ठीक है। उसकी मम्मी वगैरह से बाहर खड़े हुए थे, उसके साथ उसके फ्रेंड भी अंदर आए थे, ठीक है। उसके हाथ में चाकू तलवार सब थी, प्लानिंग तो ये करके आए थे कि सारे घर वालों को मारेंगे वो लोग, ठीक है। और इसको जैसे उन्होंने मारा, ठीक है, मतलब इसको मार रहे थे वो लोग, जितने में आई इतने में तो वो लोग भाग लिए, जितने में हम लोग आए ना मैंने चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, इतने में तो वो लोग भाग लिए, ठीक है। ये पंजाबी मोहल्ले में एक लड़की घर पर अकेली थी, उसके 2 लड़कों ने बता रहे हैं कोई चाकू मारे हैं और भाग गए हैं दोनों, ठीक है। लड़की को हमने हॉस्पिटल में वो भर्ती करा, इलाज करा रहे, ट्रॉमा का रेफर कर दिया, वहाँ उसको भेज रहे हैं। तो लड़के बता रहे हैं कि लड़की के साथ पहले रेप किया था, पहले रेप का मुकदमा दर्ज है, एक आरोपी का नाम बता रही है, वो साथ हर कल कोर्ट में गवाही वगैरह है। अच्छा, ठीक है, उस चक्कर में सारा मामला हुआ है।